हरे कृष्ण। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में एंटर करता है और सारे बच्चों को बोलता है कि कल एक टेस्ट है, टुमारो देर इज गोइंग टू बी एन एग्जामिनेशन। सारे बच्चे एंग्जाइटी में आ जाते हैं, सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, कल कौन सा एग्जाम है। लेकिन अब तो प्रोफेसर साहब ने कह दिया कल एग्जाम है। सारे बच्चे प्रिपरेशन में लग जाते हैं, घर जाते ही रात भर मेहनत करते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम एंग्जाइटी लेके। इतनी देर में प्रोफेसर साहब एक पैकेट लेके एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं और उस पैकेट से एक एक पेपर निकाल के हर बच्चे को दे देते हैं। बच्चे उस पेपर को देखते हैं, आगे पीछे कुछ भी नहीं, सिर्फ पेपर पे एक ब्लैक डॉट एंड दैट्स इट। प्रोफेसर साहब क्लास में अनाउंस करते हैं आपकी शीट में जो भी है एक्सप्लेन इट, उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप इसे क्या समझते हो वो लिखिए। और आपको आधा घंटे का समय दिया जाता है। सारे बच्चे देखते हैं ब्लैक डॉट, पूरा लिखना शुरू कर देते हैं। कोई कुछ लिख रहा है, 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 अपने अपने परसेप्शन, अपने अपने एक्सपीरियंस, अपने अपने अनुभव से लिखना शुरू कर देते हैं। आधे घंटे बाद प्रोफेसर साहब हर शीट पर जाके वो पेपर कलेक्ट कर लेते हैं और शीट को उठा के सब बच्चों को बोलते हैं कि आज आई एम नॉट गोइंग टू ग्रेड दिस पेपर, मैं इस पेपर के अंक आपको नहीं दूंगा। और हर बच्चे की जो उसने स्टोरी लिखी है, कथा लिखी है, बात लिखी है, पढ़ने लगते हैं। इनवेरिएबली 100% ऑफ द चिल्ड्रन टॉक्स अबाउट द ब्लैक डॉट ऑन द व्हाइट पेपर। सारे बच्चे उस काले धब्बे के ऊपर कुछ लिखते हैं। कोई लिखता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, वाई कोऑर्डिनेट इतना है, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। प्रोफेसर साहब अंत में सारे पेपर जब पढ़ चुके होते हैं उसको नीचे रख के एक आवाज में सब लोगों को बोलते हैं, इतनी बड़ी सफेद शीट पे क्या आप सभी को एक काला धब्बा ही दिखाई दिया, एक काली शाही से पुती हुई एक कलंक सा, सिर्फ वो ही दिखाई दिया, इतनी बड़ी सफेद शीट नहीं दिखाई दी, इतना प्योरिटी, पीस, कामनेस नहीं दिखाई दी, सिर्फ वो काला रंग दिखाई दिया। एटीट्यूड। अब जरा अपनी जिंदगी में भी देख लेते हैं। इतनी बड़ी जिंदगी जिसमें बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन क्या हम इतनी बड़ी सफेद जिंदगी में क्या वो कुछ दुख के पल, कष्टों के पल, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, क्या हमारी ऊर्जा केवल उन्हीं पे फोकस कर रही है? क्या हम भी केवल उस काले डॉट पे तो फोकस नहीं कर रहे? सफेद बहुत सी चीजें अभी बाकी है। यू बिकम व्हाट यू फोकस ऑन। 10% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ टेक्स अवे 90% ऑफ आवर एनर्जी। इज इट अ फेयर डील? इट मेक्स अस miserable। अच्छा तो ये होगा कि कष्टों को भी देखो लेकिन बिग पिक्चर देखो। बहुत से अच्छे पल भी हैं, 90% अच्छाइयां भी हैं, खूबसूरती भी है, खुशबू भी है। लेकिन जब हम केवल उस एक कलंक पे फोकस करते हैं जिंदगी दुखनुमा दिखती है। अब आप किस पे फोकस करोगे?
मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। चॉइस आपकी है। हरे कृष्ण।